महादेव भाई सभी को। वो सब अपने घर में मौज ले रहे होंगे और जो घूमने गए हैं वो तो और मौज ले रहे होंगे, क्योंकि आज तो भाई देहरादून में बारिश हुई है। 1 फरवरी बारिश बहुत तगड़ी मस्त हुई है और हर जगहों पे बर्फ़ पड़ी है। पहले आप ये वीडियो देखो, कितनी प्यारी बर्फ़ पड़ रखी है इस टाइम पे, जल्दी देखो। तो आपने देख लिया होगा कि भाई देहरादून का मौसम मेरी छत से कितना प्यारा लग रहा है। तो सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, बी सेफ। को जो भी धनौल्टी, मसूरी या चकराता या औली वगैरह घूमने जा रहा है तो वहाँ पर अपनी गाड़ी ध्यान से चलाएं और कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि बर्फ़ की वजह से बहुत सारी गाड़ियों स्लिप कर जाती हैं। और कुछ होते हैं जो जैसे ये जो मतलब उत्तराखंड से बाहर के आते हैं, जिन्हें पहाड़ों में चलाने का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उनके लिए खासकर ये बात बोल रहा हूँ मैं कि भाई प्यार से चलाओ, बहुत आराम से चलाओ, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, मज़े सब लेंगे। क्योंकि भाई पास ही पड़ता है उत्तराखंड, देहरादून मसूरी वगैरह, तो यहाँ पर तो सभी टूरिस्ट वगैरह घूमने आते हैं और टूरिस्ट प्लेस ही है। तो भाई बहुत सेफली चलाना अपनी कार वगैरह जो भी चला रहे हो। और दूसरी बात, दो तीन जो टॉपिक देहरादून के हैं वो ये है कि भाई एक तो कि कुछ गैंग वगैरह थी, गैंग तो नहीं कहूँगा पर कुछ चोर वगैरह ऐसे थे जिनकी टीम थी पूरी, जिन्होंने मतलब चोरी वोरी करी है बाइकों की, स्कूटी की, तो वो देहरादून पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी शायद उन्हें, और जिनकी वो गाड़ियाँ चुराई थी उन्हें वापस दे दी जाएंगी। तो भाई फुल सपोर्ट है अपने देहरादून पुलिस को, और बहुत अच्छा लगता है जब ये काम देखते हैं अपनी देहरादून पुलिस का, कि भाई वो इतने अच्छे तरीके से चोरों को पकड़ रही है, जल्द से जल्द पकड़ रही है। और फ़ोन जो भी चुरा के भागते हैं, कुछ वीडियोस आई थी जैसे कि कोई इंदिरा मार्केट में होगा तो कान में फ़ोन लगा के बात कर रहा था, तो एकदम से चोर आए, उसके कान से फ़ोन छीना और भाग गए। तो भाई बहुत अच्छा काम किया हमारे देहरादून पुलिस ने कि चोरों को पकड़ा है। दूसरा ये बात है कि भाई क्या बोलते हैं, वो कह रहा हूँ, जो हमारे एक जहाँ उत्तराखंड वगैरह में ना एक चीज़ और चलती है, यहाँ पर ना नशे के पदार्थ बहुत चलते हैं, जैसे स्मैक वगैरह या गांजा ये वो सो, तो वो भी पकड़े गए हैं देहरादून पुलिस के द्वारा आज ही। तो ये भी बहुत बहुत बढ़िया बात है कि भाई ऐसे नशे के पदार्थ जो यूज़ करते हैं या जो बेचते हैं, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल रही होगी या मिलेगी या फिर पकड़े गए। बहुत बहुत अच्छा काम किया है देहरादून पुलिस ने ये, क्योंकि भाई ये नशे का पदार्थ जो होते हैं ना, ये सारे जो यूथ होता है ना हमारा, जैसे हम लोग हो गए या हमसे छोटे लोग, छोटे बच्चे हो गए या हमसे एज में जो छोटे हैं, उन लोगों को दिया जाता है और वो लोग बेचते हैं ये सब, या इनका यूज़ करते हैं, जो कि पूरे खून में घुलता है इनके और बेकार, बहुत बेकार होता है, शरीर बेकार करता है ये, और इसीलिए जैसे लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, कैंसर वगैरह होता है, तो उस चीज़ इन सब चीज़ों की वजह से ही होता है। तो बहुत अच्छी बात है कि भाई हमारे देहरादून पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा। ज़्यादातर ये कॉलेज स्टूडेंट्स को बेचते हैं, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स खरीदते हैं, क्योंकि बाहर से लोग पढ़ने आते हैं देहरादून में, क्योंकि देहरादून एक एजुकेशन हब है, तो यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट्स या स्कूल स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ें बेचते हैं, उनके खून में घुलता है और उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो अच्छा है जल्द से जल्द ऐसे आरोपियों को पकड़ा जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। दूसरी बात भाई, ये बहुत सी मतलब वो कुछ सालों में ही ये सब चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं देहरादून के अंदर, कि लोग नशे बेच रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये सब अभी रिसेंटली ही बढ़ा है और ये बहुत गलत है। तो भाई सबको इसीलिए बोल रहा हूँ कि सब सेफ रहो और ये सब हरकतें बंद कर दो और ना ही कोई ख़रीदो इनसे, और इनकी ज़रूरत इतनी नहीं बढ़नी चाहिए कि यहाँ देहरादून में आके बेचे, क्योंकि ये देवभूमि है, ठीक है। यहाँ पर जो आता है उसको आनंद अपने आप ही आ जाता है, उसे कोई नशे लेने की या किसी और सुरूर में रहने की ज़रूरत नहीं होती, वो पहाड़ देख के, वादियाँ देख के ही बहुत अच्छे मूड में आ जाते हैं लोग, और ये सब हरकतें ना ही करें। और जंगल वंगल में जाके पकड़ते हैं इन लोगों, पुलिस वगैरह की, भाई पुलिस लोग, पुलिस वाले हमारे देहरादून के, कि भाई ये कहाँ बेच रहे हैं, सबका एक टीम बिठाई जाती है इनकी, और काफ़ी क्राइम मतलब बढ़ रहा है देहरादून में, तो ये क्राइम भी कम हो जाए तो वही बेटर है, और मज़ा आता है इन सब चीज़ें देख के, कि भाई हाँ अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि हमारे देहरादून पुलिस सच में बहुत काम करती है इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत जल्द। और भाई मसूरी वगैरह जो भी जा रहा है ना, तो भाई बी सेफ, और सबको पता है कि हम नज़ारे लेने जाते हैं, सब बस अपनी फैमिली लेकर जाते हैं, पर आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, व्हीकल बहुत ध्यान से चलाएं। और हाँ, एक एक्सीडेंट और आया है यहाँ पर, कालसंग जो वो है रेस्ट्रो है, वो राजपुर रोड में, वहाँ पर एक बलेनो कार का एक्सीडेंट,
भाई साहब बहुत बहुत आराम से चलाओ यार, रिस्पॉन्सिबल चलाओ। और एक बोल रहे हैं कि पोटा साहिब के उसमें रास्ते पर भी एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक गाड़ी एक डंपर से टकराई है, जो कि डंपर एक तरह से ट्रक ही होता है, वो बड़ा सा, उसमें काफ़ी सारा सामान होता है, उससे टकराई है और वो ख़त्म चकनाचूर हो चुकी है। तो भाई प्लीज़ रिस्पॉन्सिबल होके चलाओ इस चीज़ को, और इसे मजाक में मत लो। अब जैसे बारिश हो रही है तो एकदम से, और कुछ लोग होते हैं जो हाई बीम पे चलाते हैं गाड़ी, तो उसकी तरफ से शीशे से रिफ्लेक्शन आती है और बंदा नहीं संभाल पाता गाड़ी। कईयों के लिए ऐसा होता है, मैं उनकी बात नहीं, हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि नहीं चला पाते हैं रात में और उन्हें कहीं निकलना पड़ जाए रात में। तो भाई ऐसा हाई बीम पे मत चलाओ, और इस तरीके से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वो हिलने लगती है, बबलिंग करती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे एक्सीडेंट होते हैं, जान पे बनाती है लोगों के। तो यार ऐसे मत चलाओ, रिस्पॉन्सिबली चलाओ और ईजी आराम आराम से चलाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा लेट भी हो जाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर घर तो पहुंच जाओगे सही सलामत। तो भाई सबसे ये निवेदन है मेरा कि आराम से चलाएं, रिस्पॉन्सिबल चलाएं, चोरी जगारी जहाँ हो वो जल्द से जल्द रिपोर्ट कर दें अपने आसपास के लोगों को और पुलिस वालों को, ताकि नियरेस्ट चौकी को कि भाई उनके साथ ऐसा वैसा हो गया है, तो जैसे हमारी पुलिस बहुत जल्द एक्शन में आ जाती है, ये बहुत अच्छी बात है। तो बी सेफ, बी रिस्पॉन्सिबल। और यार जैसे ठंडक बढ़ रही है देहरादून में, जो आज बारिश हुई है ना, तो उसकी वजह से काफ़ी जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं तो वो भीगते हैं, वो बीमार पड़ते हैं, गाड़ियों के बीच में आ जाते हैं। तो यार प्लीज़ उन्हें शेल्टर दो, उन्हें खाना दो प्लीज़, ये हाथ जोड़ के विनती है मेरे से सबसे। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, लाइक द वीडियो। जय श्री राम।